हेलो जी, नमस्कार। आज की और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कुछ रियल इमेजेस है, इसका फ्रंट एलिवेशन के लिए हमें क्लाइंट दिए थे, तो वो प्लान कॉल 8095615113 फॉर हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक ड्राइंग एंड प्लम्बिंग ड्राइंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। जो है क्रेडिट जाता है वही इंजीनियर को, और आज हम इस प्लान का जो है प्लान एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दो पोर्शन है, दो भाइयों के लिए बनाया गया। ओके, इनके पास टोटल जगह 36 फीट 9 इंच जो है ना, ये सामने की तरफ, तो इधर टोटल आता, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐसा 40 फीट है कंस्ट्रक्शन, और विड्थ में जो है टोटल 60 फीट है। सो 60 बाई 40 में जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब 30-40 दो पोर्शन बनाए गए, जिसके अंदर जो है 3 बेडरूम और प्लस एक्स्ट्रा जो है ना 3 बेडरूम बनाए गए। ओके, सो दैट फ्यूचर में यहाँ से भी ये इधर का उधर एक कनेक्टिंग भी बनाया गया। सो देखिएगा, जो कोई भी एक नया घर बांध रहे और दो फैमिली पर्सन्स है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये वाला प्लान। एंड कुछ मैं कंस्ट्रक्शन इमेजेस भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये वाले कुछ कंस्ट्रक्शन इमेजेस हैं जहाँ से आप लोग पूरा फुल व्यू देख सकते हैं इसी घर का। तो प्लानिंग के लिए बनाए, इधर से एक पोर्शन एंट्रेंस है और इनको सेपरेट स्टेयरकेस है, फिर उसके साथ इधर से भी एक एंट्रेंस है और सेपरेट स्टेयरकेस है, समझो उस तरह से बनाया गया। और ये वाले एक व्यू, और ये जो भाई बताया, देखो दो तरफ से स्टेयरकेस है, जो प्लान वैसा था उनका, उनके द्वारा दिया हुआ प्लान उस तरह से था। और ये जो है इसका नॉर्मल स्केच है, और फ्यूचर में इसका मैं 3D भी आपको बना कर दे दूंगा। ये टेम्प्रेरी शेड है, टेम्प्रेरी रूम बनाएंगे वहाँ पर। सो चलिए अब हम प्लान को डिस्कस करते हैं फर्स्ट। सो प्लान देख लीजिएगा, प्लान में आपको दिखाई देगा फर्स्ट दो पोर्शंस का है ना, तो ये वाला पोर्शन मैं आपको समझा दूँ। ये वाला रोड जो है वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ है, यहाँ से स्टेप्स दिया गया, और इधर से जो है आप जा सकते घर के अंदर। घर के अंदर एंटर होते ही एक आ रहा आपका मास्ट यम महल, सो हॉल। ओके, हॉल आ रहा है आपको यहाँ पर, बिग साइज हॉल, TV रखने के लिए जगह, और सोफा सेट इधर दिया हुआ है। और यहाँ से एंटर करते हैं किचन, नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर की तरफ किचन यल प्लेटफॉर्म में बनाया गया इस तरह से। एंड यहाँ पर आता कॉमन बाथरूम, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, वेस्टर्न इंडियन सीटिंग नहीं है यहाँ पर, वेस्टर्न कमोड है, और 4 फीट विड्थ है, दरवाजे का साइज मीडियम साइज आ जाएगा। और इधर से आप चलते हैं मास्टर बेडरूम, ऐसा 11 बाई 10 फुट 9 इंच में विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ 7 बाई 4 फीट में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आता बाथरूम 7 बाई 4 फीट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये था एक बेडरूम यहाँ पर, दूसरा बेडरूम जो है यहाँ पर लिया गया इधर 12 बाई 11 फीट में, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर एक विंडो भी ले सकते हैं, छोटा सा इधर भी आप ले सकते हैं विंडो। और इधर से ये जो आर्च आप देख रहे, देखो वहाँ से जो और एक वाला बेडरूम है 11 फुट 2 इंच बाई 11 फीट में, और एक दूसरा वाला बेडरूम आ रहा है। और लॉबी यहाँ से उधर से कनेक्टिंग एक लॉबी बनाएगा, सो दैट अगर फ्यूचर में यहाँ से इधर का अंदर आर पर जाना है बोले तो भी वो कर सकते हैं। तो ये वाला 11 2 बाई 11 फीट में विथ अटैच टॉयलेट, इसको भी। तो ये एक पोर्शन हुआ है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं इसका दूसरा, अगला वाला भाग, अगला पोर्शन किस तरह से है वो देखिएगा दोस्तों। इस तरह से दिएगा इनका भी, फिर आगे सामने की तरफ इतना जगह रह रहा है दोनों के बीच में। ओके, ओपन एरिया गेट, ये नॉर्थ फेसिंग है ईस्ट फेसिंग, तो ईस्ट फेसिंग वालों का प्लान देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ईस्ट फेसिंग की तरफ स्टेप्स है, स्टेप से एंटर करें, मेन डोर यहाँ पर दिखाई देगा, एक हॉल 19 बाई 11 फीट में, हॉल एल शेप में, सोफा सेट, TV रखने के लिए यहाँ पर जगह मिल रहा है। और इधर जो है साथ ही साथ यहाँ पर एक पूजा रूम दिया गया है ईस्ट की तरफ, और किचन आ रहा है आपको 8 बाई 7 फीट में। यहाँ पर आ जाता कॉमन बाथरूम 9 फुट 2 इंच बाई 4 फीट, काफ़ी बिग प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट मतलब 40-60 में बांध जा रहा। और बोरवेल के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर रखेगा, अगर फ्यूचर में ये वाले घर वालों को होना बोले तो कर सकते हैं। ओके, उस तरह से बनाया गया। एंड यहाँ पर आ जाता है एक चिल्ड्रन बेडरूम 14 4 बाई 10 फुट में, इधर आता आपको मास्टर बेडरूम 11 बाई 11 फीट में, मास्टर बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट बाथ, यहाँ पर भी छोटा सा आप ड्रेसिंग रूम के जैसा कुछ शेल्व्स भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाएगा आपका इस तरफ, ये मास्टर बेडरूम है, 11x6x11 फीट में एक मास्टर बेडरूम आ रहा विद अटैच्ड लैट्रिन बाथ। यहाँ पे भी सेम और है, तो सभी तरफ अब पाइपलाइन का भी जरूरत पड़ता है, वेंटिलेशन जरूरी है, पाइपलाइन सिस्टम जरूरी है। तो वेस्ट की तरफ 2 फीट दिया गया, साउथ की तरफ 3 फीट दिया गया, एंड यहाँ पे स्टेप स्टेप के नीचे आप लोग सेप्टिक टैंक भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं इधर। क्यों बोले तो ये पोर्शन को साउथ हो जाता है, ये वाला पोर्शन को इधर साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट इधर हो जाता है उनको, तो इस तरह से लिया गया। सो काफ़ी अच्छा और बेस्ट प्लान है, एंड जिनका रिक्वायरमेंट 3+3 बेडरूम रहा विथ हॉल किचन कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, वो लोग जो है ये वाला प्लान रेफर करते हैं। एंड 2 ब्रदर हाउस प्लान है ये वाला, एक फुल व्यू इमेज आप देख सकते हो, और हमारा वेबसाइट को भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड इसी तरह से और भी आपको हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, थैंक यू।